दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ये ब्लाउज मैं 36 इंच का बना रही हूँ, जिसकी लेंथ मैंने 14 इंच रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोल्डेड साइड से हम अपना शोल्डर लेंगे, शोल्डर का अपना हाफ ले लेंगे, जितना भी आपका शोल्डर है। उसके बाद आर्म होल पर निशान लगाऊंगी मैं 7.5 इंच पे। एक बार फिर से हम क्रॉस चेक कर लेंगे, देन इन दोनों निशानों को हम लोग आपस में मिला देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आप लोग अपना चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लीजिए। मैं अपना 36 के हिसाब से 9 ले रही हूँ, 9 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं 3 इंच का लूजिंग छोड़ रही हूँ, क्योंकि प्रिंसेस कट है तो इसमें ज़्यादा कपड़ा जाता है। फिर उसके बाद मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ आर्म होल के लिए, गोलाई के लिए। देन 1 इंच पे लगाया मैंने। ऊपर से हम 0.5 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। उससे पहले हम 4 इंच का एक मार्क कर लेंगे, जितना हमें शोल्डर डाउन करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को बचे हुए का आर्म होल का सेंटर पॉइंट लेना है। जितना आप लोगों ने सेंटर पॉइंट लिया, एक एक आधा आधा इंच आप लोगों को दोनों साइड से ले लेना है। फिर जिस तरह से मैं इन निशानों को एक साथ मिला रही हूँ, आप लोग भी सेम इसी तरह से निशानों को इसी तरह से मिला दीजिए। तो जो भी मैं अंदर का साइड का निशान लगा रही हूँ, उसको आप लोगों को कट नहीं करना। हमेशा आप लोग एक बात ध्यान में रखिए, क्योंकि फोर्थ फोल्ड है तो हमेशा आउटर लाइन से ही कट करना है। फिर उसके बाद मैं अपनी बस्ट का 11 पॉइंट पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ मैं 3.7 इंच पे प्रिंसेस कट ले रही हूँ, अगेन नीचे की साइड से। देन इन दोनों लाइनों को मिला देना आपस में। फिर उसके बाद आप 3 इंच का पहले देख लीजिए मार्जिन रखना है, जितना आप लोगों को प्लेटें लगानी है। फिर मार्जिन अगर आप लोगों का ज़्यादा बचता है तो 3 ले सकते हैं, अगर कम बचता है तो आप लोग 1 इंच कम भी कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, इसमें मार्जिन नहीं बच रहा, तो मैं 2 इंच पे मार्क कर लूँगी। तो ये हमारी 2 इंच की प्लेटें होंगी। बट हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा मतलब 3 इंच का अगर प्लेटें लगाओगे तो हमारे पैड अच्छी तरीके से उसमें बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी हमारा वेस्ट वाला पॉइंट है, उसको हमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर देना है। फिर उसके बाद हमें अपना मेन हमारा जो मार्क करना है हमें चेस्ट का और वेस्ट का, वो कर देना है। देन ऊपर की साइड से आर्म होल से मैं 0.5 इंच ले रही हूँ। फिर इन दोनों मार्क को हमें मिला देना है आपस में। तो जिस तरह से मैं मिला रही हूँ, सेम आप लोगों को वही करना है। और हल्का सा कर्व टाइप का देते हुए आप लोगों को नीचे ये 2 पॉइंट से मिला देना है। तो यहाँ पे एक प्लेट लग जाएगी। तो उससे पहले एक छोटा सा लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, कि थोड़ा एक मार्क हो जाए जब हम पैड अटैच करें तो ईजी रहे हमारे लिए। एंड यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ लेंथ में नेक के लिए। यहाँ पे विड्थ मैंने 4 इंच लिया है। और यहाँ पे हम एक स्वीट हार्ट का शेप दे देंगे। आप चाहो तो नेक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा कम लग रहा था। फिर उसके बाद मैं बाद में जब कटिंग करूँगी तो आधा आधा इंच मैं इसमें बढ़ा दूँगी। फिर उसके बाद जैसा अभी मैंने बोला, हमेशा आउटर लाइन से ही कट करना है, बिकॉज़ इसमें बैक साइड का पार्ट भी अटैच है। तो जैसे मैं काट रही हूँ वैसे ही काटना है आप लोगों को। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम इन दोनों पार्टों को अलग कर देंगे, बैक साइड का और फ्रंट का, बिकॉज हमें जो नेक हमारा है उन सबको हमें अलग अलग तरीके से काटना है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब हम अपना मेन फैब्रिक पे इसको प्लेस कर देंगे। 4 फोल्ड कपड़ा लेंगे हम अपना, देन उसके बाद हम इसको कट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। और हमेशा याद रखना, अगर हमारा फैब्रिक मेन फैब्रिक है, आधा आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एग्जैक्ट सेम उसकी तरह नहीं काटना है, क्योंकि कम होता है कपड़ा तो प्रॉब्लम होती है, बेशक थोड़ा ज़्यादा हो।
ये हमारा बैक साइड है, और हम इन दोनों फैब्रिक को भी सेपरेट कर लेंगे, फ्रंट का अलग कर लेंगे देन बैक साइड का अलग कर लेंगे। अभी मैंने प्लेस कर लिया है फ्रंट का जो हमारा पीस है मेन फैब्रिक पे, तो ये दोनों फ्रंट पार्ट है। इसको काटने से पहले अच्छे तरीके से पिनअप करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिगनर्स हो तो। ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए पिनअप कर रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग है आपका बिगनर्स है तो आप लोग ज़रूर पिनअप कर लीजिए, देन उसके बाद ही आप लोग कट कीजिए। यहाँ पे मैं जितना मैंने आर्म होल का मार्क किया है उससे मैं थोड़ा सा कम ही कर रही हूँ, बिकॉज़ ये स्लीवलेस ब्लाउज है तो ज़्यादा आर्म होल अच्छे नहीं लगते मुझे, बट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। देन हम अपना प्रिंसेस कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और हम इसके नेक की कटिंग करने जा रहे हैं, बट उससे पहले हम इसमें प्लेटें लगा देंगे। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ सेम आप लोगों को उसी तरह से लगानी है, 1-1 इंच की प्लेटें आप लोगों को लगा देनी है इस तरह से। देन इसका छाप ले लेना है दूसरी तरफ जैसे मैं कर रही हूँ, और मुझे तो एक्सपीरियंस है तो इसलिए मैंने इस तरह से ड्रॉ कर ली जल्दी जल्दी, बट आप लोग एकदम नाप के ही करना अगर आप बिगनर्स हैं तो। और यहाँ पे मैं थोड़ा आधा आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा छोटा रहेगा तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले लीजिए जितना आप लोगों को पसंद होगा। और देखिए सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है कटिंग करने का, ब्लाउज स्टिच करने का, बट मैं जो मेरा तरीका है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने ये 6 इंच ली थी इसकी लेंथ, बट 0.5 मैंने इसमें ऐड कर दिया तो टोटल लेंथ हमारी 6.5 इंच हो जाएगी, जिसमें आधा इंच हमारा शोल्डर की तरफ हमारा डाउन हो जाएगा, देन 6 इंच का हमारा बचेगा, तो एकदम नॉर्मल होगा ये। और यहाँ पे ये पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं, तो अब हम बैक साइड जो है उसको भी अच्छी तरीके से मेन फैब्रिक पे प्लेस कर देंगे, देन बैक साइड का भी हमें नेक कट करना है। तो नेक कट करने से पहले मैंने पिनअप कर लिया है सिर्फ आप लोगों के साथ दिखाने के लिए, ताकि आप लोग हमेशा याद रखें कुछ भी कटिंग करने से पहले। और हमारा जो फ्रंट का पार्ट था सेंटर का, उसका हमने कितना लिया नेक उस हिसाब से मार्क कर लीजिए। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे लेंथ लूँगी, लेंथ मैंने 11 इंच लिए। और विड्थ आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मैंने यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं लगाया विड्थ का, ये मैंने सिर्फ अपने मन से एक लाइन एक शेप ऐसा ड्रॉ कर दिया। आप चाहो तो इसमें स्क्वायर या फिर सर्कल वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारा नेक कुछ इस तरह से दिखेगा बैक साइड से। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया है, और ये जो हमारी प्लेटे का निशान था 1-1 इंच की, उनको हम प्लेटें लगा देंगे, देन ओरोबिक पट्टी से हम बैक साइड का इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। तो ये जो हमारे फ्रंट के पीस थे उनको आप लोगों को जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप लोगों को कर देना है, इस तरह से रखने हैं एंड इस पर स्टिच लगा देना है। तो हमारा जो लाइनिंग है उसको भी आप लोगों को अलग करना है एंड मेन फैब्रिक को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, और ये कप्स का हमारा एक शेप टाइप का रेडी भी हो चुका है। अगर हम 3 इंच का लगाते तो इसमें बहुत अच्छा खासा होता, बट मार्जिन नहीं था तो हमने 2 इंच का किया है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हमें इसमें पैड अटैच करने हैं, तो पैड अटैच करने के लिए इसका सेंटर पॉइंट लेंगे जहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम दूसरे को भी ऐसे कर लेंगे। तो जैसे मैं प्लेस करूँगी वैसे ही आप लोगों को प्लेस करने हैं, उसी तरह से आप लोगों को करना है सेम। अब मैं उसके बाद मैं सेंटर पॉइंट पे पिन लूँगी,
देन उसको मैं अटैच कर लूँगी। और अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप पिन यूज़ मत कीजिएगा, आप एक धागा ले लीजिए, एक स्टिच लगा दीजिए वहाँ पे, ताकि बिल्कुल इधर उधर होने के चांसेस ना हो। देन सेकंड को भी आप लोगों को इस तरह से पिन कर देना है, और जो हमारा मैंने मार्क किया था ना वहाँ पे आप लोगों को इस तरह से कर देना है। और जब हम पैड लगाते हैं ना, हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, जो हमारा एक कर्व टाइप का बन जाता है ना, उसमें आप लोगों को अटैच करने होते हैं। देन राउंड में भी आप लोगों को स्टिच लगा देना है एक, ताकि ये हमारा इधर उधर ना जाए। और एक बार हम मेन जो हमारा फैब्रिक है उसको रख के देख लेना है कि हमारा जो प्लेटें हैं उसके ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने कर चुकी हूँ, और नेक के लिए मैंने ये औरोबिक पट्टी काट ली है, और उसको फोल्ड करके जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से आप लोगों को स्टिच लगा देना है, और यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब उसके बाद ये हमारा नेक और बैक का, दोनों का, फ्रंट और बैक का, दोनों का रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद हमें अपने ब्लाउज के लेंथ को ठीक से करना है, क्योंकि जब प्रिंसेस कट होता है ना तो थोड़ी लेंथ में इधर उधर हो जाता है, थोड़ा ऊंचा नीचा कर्व टाइप का बन जाता है ऊपर से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है, ये होता ही है। आप चाहें तो आप कपड़े को, मेन फैब्रिक को ही फोल्ड कर सकते हैं, अगर चाहें तो पट्टी लगा सकते हैं। मुझे पट्टी लगाना ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि फिटिंग अच्छी आती है और एक बेस अच्छा बनता है। तो बैक साइड में भी मैंने पट्टी लगा दी, फ्रंट में भी लगा चुकी हूँ। अब इसके बाद हम आई हुक के लिए कट करेंगे बीच में से। अब हम जो हमारे स्लीव हैं, सॉरी ये जो स्लीवलेस वाला पॉइंट है, उनको भी मैंने कर चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरा आई हुक की पट्टी भी रेडी हो चुकी है। तो ये हमारा लगभग ब्लाउज रेडी हो चुका है। अब इसके बाद आप कोई भी, अगर मोती वाली लेस हो तो वो भी लगा सकते हैं। मैं इस तरह की लेस इसमें अटैच कर रही हूँ मैचिंग का, तो इससे लुक बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये मैंने वेडिंग वेयर के पर्पज़ से बनाया है, तो मुझे इस तरह का रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को इतना ही अच्छा लगे तो आप लोग इस तरह से भी रख सकते हैं। और ये जितना अगर हमारा ज़्यादा कपड़ा बचता है मार्जिन का, तो आप लोगों को इंटरलॉक कराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ दोनों को पकड़ के, इसमें एक बड़ा वाला जो बड़ा धागे का स्टिच होता है वो लगा सकते हैं। अब उसके बाद हम शोल्डर पे जो हमारे हमने एक पट्टी लगाई थी वो लगाने के लिए, अब हम बचा हुआ कपड़ा लेंगे। बहुत से लोग होते हैं पूरा स्लीव काटते हैं और उसके अंदर से कपड़ा लेते हैं, बट मैं कपड़ा वेस्ट नहीं करना चाहती, जो भी बचा हुआ कपड़ा है मैं उसमें से ही करूँगी। तो सबसे पहले उसके लिए करना है आपको, जो हमारा शोल्डर है वहाँ से आप लोगों को मेज़र करना है। आप लोगों को अगर 2 इंच चाहिए या 3 इंच या 4 इंच, आप अपने हिसाब से रखिए, बट यहाँ पे मैं 3 इंच का कर रही हूँ, ये एकदम नॉर्मल है। 3 इंच ना ज़्यादा रहेगा ना छोटा ना बड़ा रहेगा, तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम आप लोगों को उसी तरह से करना है। इस कपड़े की लेंथ 5.5 और इस तरह से है, तो यहाँ से मैं 3 इंच का ले रही हूँ और 3 इंच का नीचे डाउन कर रही हूँ। तो एक पूरा एक ये स्क्वायर टाइप में बन जाएगा पूरा बॉक्स, फिर उसको आप लोगों को इस तरह से एक शेप दे देना है राउंड में। देन आप सेंटर में भी एक मार्क कर लीजिए। और अब हम एक बार इसको दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे, तो इन दोनों जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम उल्टा करके एक बार देख लेंगे। उससे पहले एक दूसरे के साथ हम इस तरह से ये जो निशान है ले लेंगे, फिर उसके बाद हम पूरा ये सर्कल टाइप का ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इन निशानों को मिला देंगे। और आप लोगों को जैसे मैं कट कर रही हूँ सेम आप लोगों को उस तरह से कट कर देना है। मैं यहाँ पे 1.5 इंच का ले रही हूँ लगभग। आप लोग चाहो तो मोटी पट्टी भी लगा सकते हैं 2 इंच तक, बट ज़्यादा भी मोटी पट्टी अच्छी नहीं लगेगी। तो जितना मैं ले रही हूँ उतना आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा।
और ये मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगर हम इन केस अगर हम मोटे हो जाते हैं तो फिर हम एडजस्ट कर सकें, तो इसलिए मैं हमेशा चीज़ें ना एक्स्ट्रा में रखती हूँ। अब हम दोनों पट्टियाँ काट लेंगे इसी तरह से और एक बार देख लेंगे एक दूसरे के ऊपर रख के कि ये एक जैसी कटी है या नहीं कटी, और अगर नहीं कटी थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा हो तो उसको हम काट लेंगे। एक्चुअली ये सनील का फैब्रिक है और इस पे एम्ब्रॉयडरी भी है तो कहीं कहीं इसमें सिकुड़न टाइप का आ जाता है, तो इसलिए काटने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हम इसको लाइनिंग पे रख लेंगे। लाइनिंग मैंने डबल फोल्ड लिया है ताकि हमारी दोनों पट्टी निकल जाएं, और उसके लिए अब हम इसको मार्क कर लेंगे और हमेशा ना एक्स्ट्रा ही हो जाए पर कम नहीं रहना चाहिए, तो मैं हमेशा आउटर लाइन थोड़ा एक्स्ट्रा में ड्रॉ करती हूँ। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये अब मैंने कट कर लिए हैं और ये दोनों पट्टियाँ लाइनिंग के ऊपर रख दी हैं, तो इस तरह से आप लोगों को रखनी है। देन इसके आउटर पे आप लोगों को एक लंबा सा स्टिच कर देना है, जिस तरह से मैं आप लोगों को फिंगर दिखा रही हूँ उस तरह से। ये वाला पार्ट आप लोगों को स्टिच नहीं करना ताकि हमें ये निकालनी भी है और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक के स्टिचिंग के बाद उसको हम कट कर लेंगे, बट ज़्यादा कट नहीं करना, थोड़ा बहुत छोड़ देना है। तो दूसरी पट्टी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको छोटे छोटे कट लगा देंगे, पर ध्यान रहे कि हमारा जो धागा है वो ना कट हो जाए, जो हमारी स्टिचिंग की हमने सिलाई लगाई है वो कट ना हो। और ये करना ज़रूरी है क्योंकि हमें ये बाहर निकालना है, फोल्ड करना है इन सबको तो आसानी से निकल सके। तो अब ये मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे आप लोगों को स्टिच भी लगाना है एक, और उसके बाद इस तरह से इसमें लेस आप ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों पट्टियों पे सिलाई भी लगा दी और उसके साथ साथ ये लेस भी अटैच कर दी, और अब आप लोगों को ये स्लीव में अटैच करना है। तो वो जो हमने मार्क किया था 3-3 इंच पे, वहाँ पे आप लोगों को इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वहाँ पे पिन अप कर देना है। देन उसके बाद आप लोगों को निशान लगाना, और याद रहे ये जो लाइन है ना उसके नीचे ही रखना है और ऊपर नहीं रखना, उसके नीचे से ही आप लोगों को पिन करना है। ऊपर रखेंगे तो वो छोटा या बड़ा हो सकता है। तो दूसरा भी हम पिन कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। तो ये हमारा फर्स्ट के जैसे ही सेकंड भी हम अपना स्टिच अटैच कर देंगे। तो ये अब हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो चुका है। बाकी का जो काम है इसमें आई हुक लगाना है, वो मैं ऑफलाइन करूँगी, और उसके बाद भी मैं इसमें एक पट्टी भी अटैच करूँगी, इसमें एक लेस भी लगाऊंगी विड्थ में। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो हेल्पफुल रहता है तो। तो ये था मेरा आज का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।